अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी विल बी टॉकिंग हाउ टू मेजर द शोल्डर हॉरिजॉन्टल एडक्शन रेंज ऑफ मोशन, बिकॉज अगर बाजू ट्रंक के साथ अटैच हो सकता है, इस तरीके से इस पोजीशन में आ सकता है, तो फिर इसका मतलब ये है कि एडक्शन इज़ नॉर्मल। बट हॉरिजॉन्टल एडक्शन के कंपोनेंट को देखने के लिए हमें गोनीमीटर का सहारा लेना पड़ता और हमें हॉरिजॉन्टल एडक्शन को मेजर करना पड़ता। तो पेशेंट सुपाइन लाइन के अंदर होगा और ये मूवमेंट जो है वो हॉरिजॉन्टल एडक्शन की है। तो आपने मूविंग बोन को देखा कि मूविंग बोन जो है वो ह्यूमरस है, जो पिवट है वो शोल्डर जॉइंट के ऊपर होगा, और स्टेशनरी जो पार्ट है वो इनका ट्रंक है। तो हमने ट्रंक के साथ अलाइन किया इस तरीके से, गोनीमीटर कैसे प्लेस करना है। द गोनीमीटर इज एट 0 degrees और इट इज़ यस ओवर हेयर। सो यहाँ पे इसको प्लेस करना है। इसके बाद इसकी बोन के साथ आपने मूविंग बोन के साथ मूविंग आर्म को रखा, हॉरिजॉन्टल रिडक्शन परफॉर्म कीजिए प्लीज़, और आप इसको मूव करते हुए ले जाते हैं ऑल द वे फ्रॉम दैट पॉइंट। दिस वॉज द स्टार्टिंग पॉइंट और दिस वॉज द स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम जीरो टू ऑल द वे एट 90 degree। सो 90 degree वॉज द हॉरिजॉन्टल रिडक्शन रेंज ऑफ मोशन। आई विल डेमोन्स्ट्रेट अगेन। इट वॉज द स्टार्टिंग पोजिशन वॉज लाइक दिस, ओके। सो द स्टार्टिंग पोजिशन वॉज लाइक दिस एंड दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट और दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट and from there it moved all the way to 90 degrees. So this is the measurement of shoulder horizontal adduction range of motion. Thank you very much.